तो ईद का दिन, सुबह उठने में हो चुका है लेट, तो भाग भाग के लिए जाना पड़ रहा है मस्जिद के लिए। तुम जा रहे हैं जमात इस्लामी नमाज़ पढ़ने के लिए। नमाज है 7:45, तो ऑलमोस्ट देयर। बस थोड़ा सा रास्ता रह गया, तो दिखाते हैं वहाँ का हाल। ऑलमोस्ट देयर, सब बंदी हो रही है, पीछे तक जमात खड़ी हो चुकी है माशाल्लाह। जल्दी से नमाज़ पढ़ लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं आएगा। नमाज थी 7:45 पे, और रमज़ान की वजह से तो उस फेर की नमाज के बाद सोना। 7:30 पे उठ के जल्दी से भागते हैं, बट मॉस्क इज़ ऑलमोस्ट फुल। हमने ईद की नमाज़ पढ़ ली है, तो 7:45 पे नमाज थी, और रोज़ हम सहरी करके सो जाते हैं, तो इसलिए आग बड़ी मुश्किल से खुली है। भाग के पहुँचे हैं मस्जिद, 5 मिनट में नहा के फ़िलहाल नमाज़ पढ़ ली है। तो थोड़ा सा आपको दिखाते हैं कि क्राउड बहुत ज़्यादा था, मैंने भी ऑलमोस्ट बाहर नमाज़ पढ़नी ली, तो यह है कुछ क्राउड जो आ रहा है, ऑलमोस्ट फुल है। और इनफैक्ट जो निकलने वाला गेट है वो इतना ब्लॉक हो जाता है कि इट टेक्स लाइक 10 to 15 minutes टू क्लियर इट ऑफ। तो जब लोग कम हो जाएंगे, थोड़ा सुकून हो जाएगा, तब निकलते हैं। चलिए व्यू, और इतना कुछ बना हुआ है घर पे, बहुत शानदार है। दिन कितना भी प्लान करो ना यार, तो पता नहीं चलता। और ख़ासतौर ईद पे ना इतना ज़्यादा वो है कि लोग आते हैं, फैमिलीज आती हैं आपसे मिलने के लिए, रिश्तेदार आते हैं, तो आप कहीं ना कहीं बिजी रहते हो। और अब देखो, आप दोपहर के 4:30 बज चुके हैं, एंड मैंने थोड़ा सा सो भी लिया, और अभी अब मैं वेट कर रहा हूँ अपने कुछ फ्रेंड्स का जो कि आने वाले हैं, एंड प्रॉब्ली 5:30-6 बजे के आसपास वो लोग आएंगे, तो उनके साथ भी दावतें होगी। तो एक बात तो है कि रमज़ान में 1 महीना जब आप फास्ट करते हो तो पेट बिल्कुल ठीक रहता है, बट जैसे रमज़ान ख़त्म होता है ना और आप खाना शुरू करते हो, तो आप बिट्स एंड बाइट्स में ज़रूर लेते हो कि हाँ ठीक है, थोड़ा टेस्ट करके देख लेते हैं चीज़ों को, ये टेस्ट कर लेता है, वो टेस्ट कर लेता है, बट वो थोड़ा थोड़ा ना आपका पेट कभी कभी अपसेट हो जाता है, तो थोड़ा संभल के खाना चाहिए, वरना बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो अभी फ्रेंड्स का वेट कर रहे हैं, वो आएंगे, फिर उनके लिए हमने शीर कोरमा एंड छोले एंड और 2-3 चीज़ें बनवाई हैं, तो वो जाएंगे, उनके साथ खाया पिया जाएगा। और फिर हम लोगों ने प्लान किया है कि एक छोटा सा बाहर का एक ट्रिप करेंगे, मतलब बेसिकली कनॉट प्लेस तक जाने का इरादा है, कि इवनिंग में वहाँ जाके कुछ टाइम स्पेंड करेंगे, इवनिंग स्पेंड करेंगे अच्छे से, कुछ चाय कॉफ़ी पे बात चलेगी। तो आज फिर बाहर घूमने जाएंगे, तो आपको दिखाते हैं कैसा रहेगा शाम का मौसम दिल्ली का, और वो भी कनॉट प्लेस का एरिया। तो आ चुके हैं मेरे फ्रेंड्स, मिलवाते हैं आपको अपने दोस्तों से। और भाई क्या हालचाल, बड़ी लेट हो गए यार आने में, ईद मुबारक गाइस। लाइट ऑन कर देते हैं, आओ भाई आओ, ईद मिलो भाई। ये है गूगल, थैंक यू भाई, ईद मुबारक भाई, तो आ गए हैं फ्रेंड्स फाइनली।
गए हैं हम फ्रेंड्स के साथ सीपी चाय वाय पीने, तो अब दिखाते हैं आपको सीपी का हाल। संजू है मेरे साथ, नयन नयन भाई सीधे साधे चलते हैं आगे और दिखाते हैं बाकी फ्रेंड्स का हाल। कैफे पे थोड़ा सा चाय कॉफ़ी पी है और काफ़ी मज़ा है, तो अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं कैफे से और जा रहे हैं बाहर की तरफ, थोड़ा सा सीपी में घूमेंगे, उसके बाद चलते हैं घर की तरफ थोड़ा घूम फिर के। लोगों ने आयुष से नहीं मिले थे, तो ये है हमारा दोस्त आयुष। आयुष लेट आया है, तो आयुष ने कॉफी पी एंड ही इज हैप्पी विद दैट। से आप सबको ईद मुबारक, ईद मुबारक। होपफुली आज आपको व्लॉग में मजा आया होगा, हम सबके साथ घूमने में, मेरे फ्रेंड्स के साथ मिलने में आपको बहुत मजा आया होगा। फिर मिलते हैं किसी व्लॉग में ऐसे ही, तब तक अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें और प्लीज़ अपने माँ बाप का तो बहुत स्पेशली ख्याल करें यार, क्योंकि माँ बाप है जिनकी दुआओं की वजह से इंसान आगे बढ़ता है। टेक केयर, बाय बाय।